देखिए, ये मेरा बिल्कुल सूखी चटनी, बोलिए खेचा, बोलिए बराड़ी, बोलिए कुछ भी बोलिए, और आपका ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब आप लोग इसी तरह बनाइए। और नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए, आज हम लाल मिर्च की तीखी चटनी, ठेचा और बराड़ी, इसको कई नाम से पुकारा जाता है और महाराष्ट्रीय डिश है। ये चटनी के रूप में आप घर में पराठा से, नान से, रोटी से, किसी चीज़ से भी कभी भी देखिए, इसमें मैंने लहसुन डाल दिए, सब मिर्ची डाल दिए हैं। अब मैं स्वादानुसार इसमें जीरा डालूंगी और इसके बाद स्वादानुसार थोड़ा सा नमक डालूंगी। उसके बाद ये नींबू का जूस जो एक पूरा मैंने निकाला है, इसको डालूंगी। अब मैं चल रही हूँ मिक्सी को लेकर पीसने के लिए, फिर आगे का दिखाते हैं। हाँ देखिए, इसमें को हम पीसने के पहले चीनी डालना डाल रहे हैं, हाफ टेबल स्पून है। और ये देखिए अच्छी तरीके से, ये हथेली पर दिखा रहे हैं, बस इतना। ये खट्टा मीठा तीखा जो हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी, इसको मैं पीस कर तब दिखाती हूँ। हाँ ये देखिए, मैंने पीस लिया है और अब इसको अच्छी तरीके से हमको, ये देखिए कितना अच्छी तरीके से पीस गया है। अब मैं इसमें तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए मेरा गैस ऑन है और अब मैं इसमें सरसों का तेल, आपको रिफाइंड में बनाना है तो आप रिफाइंड में, खूब अच्छे से धुआं आने लगे तब, ये 1 टेबल स्पून इसमें भर कर मैंने डाल दिया। ये चटनी बोलिए, ठेका बोलिए, ठेचा बोलिए या बराड़ी बोलिए, महाराष्ट्रीय डिश है। चटनी तो हम लोग अपने यहाँ भी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या पड़ेगा ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये स्वादानुसार हींग है, स्वादानुसार राई है जिसको काली, इसको सरसों बोलते हैं, थोड़ी सी मंगरेल है और थोड़ी सी स्वादानुसार हमारा मेथी दाना है और सौंफ थोड़ा उससे ज़्यादा है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं हींग डालूंगी, उसके बाद मैं राई डालूंगी, उसके बाद मैं सौंफ डालूंगी, उसके बाद मैं मंगरेल डालूंगी और फिर मेथी दाना। मेथी दाना इसीलिए कम डालते हैं, पर टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह की इसको भुज जाने दीजिए। बहुत ही मस्त ये चटनी बनकर हमारी तैयार होगी। फुल आँच मैंने कर दिया है और देखिए तड़तड़ा रही है, खुशबू भी आने लगी है। सरसों के तेल में अच्छे से धुआं उठता है, तो सोचिए हमारा तेल बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है और बाकी जो सामान डाले हैं वो उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। अब देखिए, मैं आँच को स्लो करके अब मैं इसको डाल रही हूँ। क्या जोरदार चटनी दिख रही है, देखिए वाह। अब इससे आप लोग दाल चावल चटनी के साथ में नान खाइए, पराठा खाइए, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और नमक अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपको कितना तेज़ खाना है या कम खाना है। इसको मैं 2 मिनट तक भूजूंगी और थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी और हम बस। अब देखिए इसको भूजते हुए इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया अच्छी तरीके से, तो तेल सब साइड से दिखने लगेगा।
साफ हो गई थी। इसको एक साल तक इसमें कोई केमिकल मैंने अलग से नहीं डाला है और कोई भी चीज़, ये खट्टा मीठा टेस्ट आपको बहुत ही अच्छे से देगा। पानी बिल्कुल नहीं इसमें डालना है, बिल्कुल पानी से कोई मतलब नहीं। लहसुन की महक, मिर्ची की महक तो वैसे भी अच्छे से खुशबू आ जाती है। भुजना स्टार्ट हुआ है और सारे मसाले हमें दिखने लगे हैं। वाह, बहुत ही, देखिए सारे तेल रिलीज होने लगते हैं जब ये भुजना शुरू हो जाता है। इसकी खासियत है अपने आप में कि तेल रिलीज होने लगा है। इसको भूजते रहिए, 1 से 2 मिनट तक चलाते रहिए, जिससे इसको अच्छे से बिल्कुल सूखी चटनी हो जाएगी। भूजते रहिए इसको। इसमें जो मैंने नींबू का जूस डाला है, चीनी डाला है, नमक डाला है, बाकी सौंफ है, मंगरेल है, मेथी है और साथ में राई है, हींग है, इतनी चीज़ मैंने डालकर जो बनाया है इस ठेचा को, आप लोग भी इसी तरह बनाइए फिर बताइए कि ये बहुत ही अच्छी चटनी बनकर तैयार हो गई है। और सिरका की जगह ही मैंने नींबू डाला है। अगर आपके पास सिरका वाइट वाला नहीं है तो आप नींबू डालिए, नींबू नहीं है तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हम लोग अचार बनाते हैं जो भरने वाला लाल मिर्च को, तो उसमें अमचूर ही डालते हैं, इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं कि ये नहीं है तो कैसे हम बनाएं। आपके पास जो अवेलेबल हो उसी के माध्यम, घर में जो भी है उसी से आप बनाइए। देखिए मेरा बिल्कुल सूखने लगा है, अब मैं गैस को ऑफ करूँगी। दो मिनट हो गए, अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, उसके बाद इसको सर्व कर देती हूँ। ठंडा होने पर इसको हमको जार में, चाहे प्लास्टिक के जार में रखिए चाहे कांच के जार में, कांच के जार में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको 1 साल तक आप पूरा अच्छी तरीके से खा सकते हैं। हाँ देखिए, ये मेरा बिल्कुल सूखी चटनी, बोलिए खेचा बोलिए, बराड़ी बोलिए, कुछ भी बोलिए, और आपका ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब आप लोग इसी तरह बनाइए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि ये चटनी, खेचा और बराड़ी आपको कैसा लगा। हमारे बनाने के नियम जैसे मैंने बनाए हैं, इसी अगर अनुसार बनाती हैं आप तो आपको इसी तरह का चटनी, खेचा, बराड़ी आपको खाने को मिलेगा। और इसको आप चाहे पराठे से खाइए, चाहे रोटी से खाइए, चाहे नान से खाइए, दाल चावल के साथ, सबके साथ में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। थैंक यू।